यशोदा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आज उत्तर प्रदेश के अंदर इस गाजियाबाद की धरती पर चिकित्सा स्वास्थ्य की नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक रोबोटिक सर्जरी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी उपयोग है और जिस तरह देश के अंदर विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं उस चिकित्सा क्षेत्र में एक मील का पत्थर आज गाजियाबाद में लगाया है। आज इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार में मंत्री माननीय वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, राज्यसभा के सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, लोकसभा में हमारे सहयोगी सांसद सुबोध पाठक जी, मेरे मित्र विष्णु मित्तल जी, यहाँ की मेयर आशा जी, यहाँ के जिले और आसपास के माननीय सभी विधायकगण, दिनेश अरोड़ा जी, शशि अरोड़ा जी, पीएन अरोड़ा जी और सभी अतिथिगण, यहाँ के सभी चिकित्सकगण भाइयों और बहनों, मैं आज विशेष रूप से यशोदा हॉस्पिटल के चेयरमैन अरोड़ा साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ जिन्होंने गाजियाबाद में एक नई तकनीकी जिसकी ओर देश आगे बढ़ रहा है उस रोबोटिक सर्जरी का यहां पर शुभारंभ किया है। यशोदा हॉस्पिटल केवल गाजियाबाद में नहीं देश के जिस भी हिस्से के अंदर अपने चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा है, अपनी कार्यकुशलता के कारण अच्छे चिकित्सकों के कारण उन्होंने एक प्रतिष्ठा हासिल की है और मुझे पता है कि कोविड की इस महामारी के समय जब सारे विश्व में संकट था उस समय आपने जिस तरीके से मानवीय पक्ष रखकर यहां पर सेवा की, कई लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया, उसके लिए सभी चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और तमाम लोग जो इस काम में लगे रहे उन सबको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। एक 30 वर्षों से ज्यादा समय तक आपका संपूर्ण परिवार चिकित्सा जैसे पुनीत कार्य में लगा हुआ है और आपकी कोशिश रहती है कि हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, हमारी दक्षता कुशलता बढ़े और किस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर अपनी बेहतरीन कार्यकुशलता के माध्यम से ज्यादा लोगों को स्वस्थ कर सके। हर चिकित्सक का मन से भी, दायित्व से भी, कर्तव्य से भी हमेशा एक कोशिश रहती है कि जो भी मरीज मेरे पास आता है वो डॉक्टर कोशिश करता है अपने संपूर्ण ज्ञान की, अपनी तकनीकी की, अपनी कला की
जो कुछ भी उसने जीवन में सीखा है उस दृष्टा से वह मरीज को ठीक करे, उसके चेहरे पर खुशी ला सके। और इसीलिए हमारे देश के अंदर चिकित्सकों का आज भी सम्मान है। और इस विकट परिस्थिति कोरोना के समय समाज में अगर कुछ हल्की सी गिरावट भी आई थी, उस समय चिकित्सकों ने 24 घंटे सेवाएं देकर अपनी जान की परवाह बिना जिस तरीके से सेवा की, ये हमारी प्राचीन व्यवस्था के जब चिकित्सकों का भगवान के रूप में माना जाता था वो उन्होंने साबित कर दिया। साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया के अंदर हुआ है, लेकिन भारत के चिकित्सक, हमारे नौजवान जिनका इनोवेशन, जिनका रिसर्च करने की अद्भुत क्षमता है, आज भी दुनिया के किसी भी विकसित देश में चले जाएं, वहां प्रोफेशनल चिकित्सक होगा तो उसमें, अगर उस देश में प्रतिष्ठित डॉक्टर होगा तो उसमें अधिकतम भारत के होंगे, क्योंकि हम बौद्धिक क्षमता से, हमारे ज्ञान से, हमारे संस्कार और संस्कृति से, हम जो भी काम करते हैं कठोर परिश्रम से, मेहनत से, लगन से करते हैं, उसे दायित्व निभा कर करते हैं। इसीलिए भारत के चिकित्सकों का एक सम्मान पूरे विश्व के अंदर है। और इतना बड़ा देश होने के बाद भी हमने चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। और इसीलिए गांव के अंदर एक अच्छे अस्पताल बने, उन अस्पतालों के अंदर ठीक से चिकित्सा व्यवस्था हो, तहसील लेवल पर हमने कुछ प्रयास किए कि वहां पर बेहतरीन इक्विपमेंट के माध्यम से वहां पर ज्यादा दूर व्यक्ति को नहीं जाना पड़े। जिले के अंदर हमने अस्पतालों को नए परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन करने का काम किया है। और देश में आने वाले समय के अंदर हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज होगा, रिसर्च सेंटर होगा, और नई इनोवेशन, नई तकनीकी के ज्ञान के आधार पर बेहतरीन इलाज उस जिले में हो सके। क्योंकि मैं भी बरसों से राजनीति क्षेत्र में काम करता हूं, हमारे देश में चिकित्सा तंत्र बहुत कमजोर था, हमारी डेमोग्राफी इतनी बड़ी थी, हमारी जनसंख्या की दृष्टि से, भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से, लेकिन इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक ध्यान केंद्रित करते हुए किस तरीके से हम हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन कर सकें, जिसमें हमारी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति भी हो, और प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति के अंदर हम किस तरीके से प्राचीनतम चिकित्सा का अधिकतम उपयोग कर सके। और इसीलिए आज योग केवल भारत में नहीं, दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर भारत में योग विज्ञान पद्धति को अपनाया जाता है। हमारे जीवन में सबसे पहला प्रयास हमारी सरकार का यह है कि हम बीमारियों को रोकने का काम करें, बीमारियों के होने के कारणों को ढूंढें, और इसलिए बीमारी होने के क्या क्या कारण हैं, ठीक अच्छा पानी मिलना चाहिए, स्वच्छ जल हो, गांव में स्वच्छता हो,
रहने का मकान हो, बिजली हो, कुकिंग के लिए गैस हो, ताकि जितनी भी बीमारी होने के कारण हैं उन कारणों को हमने व्यवस्थापूर्ण ढंग से उन सभी विषयों पर काम करने का काम सरकार ने किया। और उसके बाद फिर चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हमने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की संख्या, नर्सिंग स्टाफ की संख्या, ये भारत में नितांत कमी थी। आज हमने इस दिशा की ओर काम करना शुरू किया है और मेरा विश्वास है जिस गति से काम कर रहे हैं 10 साल के अंदर भारत में चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की कमी नहीं होगी और 10 साल के अंदर हम दुनिया के अंदर भारत के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ जो हमारी दक्षता, हमारी कार्यकुशलता के कारण अपना नाम कमा रहे हैं, दुनिया के अंदर जाकर काम करेंगे। और इसके साथ साथ किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग, और ये सरकारी में निजी अस्पताल के अंदर भी जिस तरीके से हमारी निजी अस्पताल के संचालकों ने अपने अपने चिकित्सालयों के अंदर हम किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें, और कई रिसर्च सेंटर भी लोगों ने बनाए हैं जिनमें वह चिकित्सा के साथ रिसर्च करते हैं, नया इनोवेशन करते हैं। हमारे नौजवानों ने जो 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं, उसमें 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप है जिन्होंने मेडिकल सेक्टर के अंदर काम किया, और मेडिकल सेक्टर के अंदर जो भी बीमारियां होने के कारण और बीमारियों के बाद होने के उपचार की व्यवस्थाओं में किस तरीके से दूर दराज के गांव में बैठकर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बेहतरीन इलाज कर सके, उसका हमारे स्टार्टअपों ने एक बेहतरीन काम किया। और इस दिशा के अंदर भारत के नौजवान और काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति घर बैठकर अपनी इलाज को बेहतरीन करा पाएगा, उसका इलाज की सुविधा, सलाह उसको घर बैठकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से डॉक्टर दे दे, और आवश्यकता पड़ने के बाद उसके घर पर दवा पहुंच जाए। ये सारे की सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक इस दिशा के अंदर बहुआयामी काम हो रहा है। और आज दुनिया के अंदर भारत ने, जहां चिकित्सा के क्षेत्र में लोग कहते थे कि विकसित देशों के अंदर ही टेक्नोलॉजी आती है, इनोवेशन होते हैं, रिसर्च होते हैं, आज भारत के अंदर हमारी जितनी भी उच्चतर शिक्षण संस्थाएं हैं, वो चिकित्सा की हो या एजुकेशन की हो, हमारे विश्वविद्यालय भी आने वाले समय में इस दिशा की ओर काम करने लगे हैं कि केवल चिकित्सा के अंदर एम्स और अन्य इंस्टीट्यूशन ही नहीं, उसके साथ साथ हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर बच्चों को नए इनोवेशन, नए रिसर्च करने के लिए संसाधन सरकार उपलब्ध करा रही है, ताकि हम दुनिया के अंदर बेहतरीन इलाज और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अधिकतर लोगों को ठीक कर सकें। ऐसे वीके सिंह जी जाते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, आज अधिकतम देशों के अंदर भारत की दवाइयां जाती हैं, और कई देशों को लगता है कि भारत की दवाई सर्वश्रेष्ठ है। जितनी अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा विकसित देशों के अंदर भी हम मेडिकल एक्सपोर्ट के बड़े सेंटर बन चुके हैं, और इसी तरीके से आप देख लो जितनी भी अरब कंट्री के आसपास के देश लोग हैं, वह अपना इलाज कराने भारत के अंदर आते हैं। जब मैं दुबई के अंदर मेरा शिष्टमंडल गया, तो हमारे शिष्टमंडल के अंदर जो वहां की एफएनसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने कहा कि हम इलाज कराने मैं और मेरी फैमिली मुंबई के अंदर जाते हैं। ये एक उदाहरण नहीं, आपको जितने मुंबई और दिल्ली के अंदर आप चले जाएं, अरब कंट्री के चल जाए, मालदीव चल जाए, आस पास के जितने भी देश हैं, उन सारे देशों के लोग इलाज कराने भारत में आते हैं। एक तो हमारे डॉक्टरों की विशेषता और दूसरा सस्ता इलाज।
ये दो भारत की शख्सियत है। और आज हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है, लीवर का हो जाता है, मस्तिष्क का होने लगा। हमारी कोशिश तो टेक्नोलॉजी विज्ञान के अंदर जो दुनिया जिस गति से चल रही है, भारत का नौजवान उस गति से और आगे की ओर बढ़ रहा है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर मेडिकल टूरिज्म के अंदर दुनिया का हब भारत बनेगा, केवल इस कारण कि हमारे डॉक्टरों की विशेषता और सस्ता इलाज। और इतने बड़े देश के अंदर आज भारत आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, अलग अलग राज्यों की योजना हो, किस तरीके से गरीब को सस्ता निःशुल्क इलाज मिल सके, इसके लिए केंद्र और राज्य की सभी सरकारें बेहतरीन काम कर रही है। मुझे आशा है हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम लोगों को स्वस्थ रख सकें। स्वस्थ लोगों को रखेंगे तभी हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा, प्रगतिशील होगा, विकास की ओर बढ़ेगा। यह हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। लोगों को पीने का पानी मिले, लोगों को बिजली मिले, मकान मिले, उनको अच्छी कुकिंग गैस मिले, इन सब प्राथमिकताओं की तरफ काम किया जा रहा है। मुझे आशा है यशोदा हॉस्पिटल के अंदर भी डॉक्टर अरोड़ा जी के परिवार ने, जो पूरा परिवार समर्पित सेवा भाव से काम कर रहा है, जिनका केवल समर्पण उस मरीज के लिए है, जिनका मनयोग यह है कि मैं किस तरीके से सस्ती सुलभ बेहतरीन और नई टेक्नोलॉजी की चिकित्सा सेवाएं दे सकूं, इसके लिए मैं अरोड़ा परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जहां आज नई शुरुआत हुई है और जिसकी टेक्नोलॉजी के जो होने वाले लाभ हैं वह आपको निश्चित रूप से डॉक्टरों ने अलग अलग दिशाएं बदल गए। और आप देखेंगे कि केवल गाजियाबाद में, केवल दिल्ली का नहीं, आसपास के तमाम लोग आने वाले समय के अंदर इस रोबोटिक सर्जरी से सर्जरी कराने आएंगे और एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र बन पाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत